89 यानी 89 मामले में उन्हें जमानत मिली और लोग फूल बरसा रहे थे उनकी जो मोहब्बतें थी, क्योंकि आजम खान के लिए रामपुर में उनकी विरासत रही है और उन्होंने कहा कि हमें तबाही होने में अपनों का हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज 27 महीनों के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी उथल पुथल मच रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल से बाहर होते हुए उन्होंने अपना एक अलग अंदाज में, शायराना अंदाज में उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमें तबाही होने में अपनों का हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से वो इशारों इशारों में कई बात कहते हुए नज़र आए और साफ तौर पर उनका जो इशारा था वो अपने ही पार्टी के आलाकमान के लोगों के लिए था। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, प्रदेश की लोगों की निगाहें आजम खान पे टिकी हुई थी, क्योंकि उन्हें 89 यानी 89 मामले में उन्हें ज़मानत मिली और सुप्रीम कोर्ट में, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया उसके बाद उन्हें जमानत मिली। और सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि जब उनका जो जेल से काफिला निकला वो काफ़ी तादाद में थे और उसके बाद यूपी पुलिस ने उन काफिले को रोक दिया कि ज़्यादा गाड़ी के साथ आप अपने घर नहीं जा सकते रामपुर। लेकिन रामपुर आते ही उन्होंने लोगों का हुजूम लगा हुआ था, लोगों का तांता लगा हुआ था और आजम खान के लिए जो लोग फूल बरसा रहे थे उनकी जो मोहब्बतें थी, क्योंकि आजम खान के लिए रामपुर में उनकी विरासत रही है। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ये भी है कि क्या आजम खान अब असदुद्दीन ओवैसी के पाले में जाएंगे, इसको लेकर हर किसी के मन में ये सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दरअसल इस बात को भी समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है, इस कहानी को, क्योंकि जो आजम खान अपने खून से सींच कर समाजवादी पार्टी को बनाया, लेकिन आज उनसे शिवपाल यादव मिलने गए लेकिन अखिलेश यादव वहाँ पर नहीं गए और वो अपने ट्वीट से उनका स्वागत किए, उन पर भी उनका इशारा जो है बयान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बातें आ रही है, क्योंकि आजम खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव पर बोलने से बचते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश की सरकार पर काफ़ी निशाना साधते हुए नजर आए कि जो जुल्म-ए-सितम हुआ आजम खान पर वो भी कहीं ना कहीं एक उर्दू नाम होने की वजह से भी टारगेट किया गया। लेकिन देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञान व्यापी का मामला हो, शिवलिंग का मामला हो, तमाम मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है। इस बीच में आजम खान का छुटकर आना, ये भी कहीं ना कहीं एक दिलचस्प नज़ारा देखने को लोगों को मिला। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा और जो शब्द आजम खान ने बोले हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ वीडियो वायरल हो रहा है आजम खान का और उसमें वो उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पर कितने सारे जुल्म सितम ढाया गया, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव राजनीतिक तौर पर डटे रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, वही सीख बिहार से लेनी चाहिए, आजम खान ने अपने भाषण में कहा है। और इससे पहले भी कई सारे भाषणों की चर्चा होती आई है और जमकर वो निशाना साधते हुए नजर आते हैं, बोलने से हिचकते नहीं है वो, क्योंकि रामपुर की जनता के लिए वो हर वक्त आवाज़ उठाते रहे। 10 बार वो विधायक रहे और इससे पहले जो है वो सांसद थे, लेकिन उनका इस्तीफा हो गया, अब वो विपक्षी दल के नेता के रूप में अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से जो ऑफर दिया गया था, आजम खान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, शौकत अली ने कहा था कि अगर आजम खान हमारे पार्टी में आते हैं तो उनको हम अपनी सीट दे देंगे, क्या वो चीज़ें अब देखने को मिलेगी, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आजम खान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर बस इतना ही, बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।